जय तेलंगाना, जय विद्यार्थी साथियों। मैं आपका दोस्त खुर्रम अली, बात आज समिति विद्यार्थी मंगल हैदराबाद कोऑर्डिनेटर। जिस तरीके से हमारे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बिलोंग करने वाले हैं, ये लोग की कंप्लेन पे आज हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट टेक्निकल बोर्ड से मिला है, मिलकर उन्हें मेमोरेंडम दिया है कि जिस तरीके से ये विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस तरीके से उन्हें एक दिन में तीन तीन एग्ज़ाम लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि 2022 से पहले जो हमारी KCR गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट में विद्यार्थियों के साथ एक लॉ पास हुआ था, वो लॉ को भी टोटली लोग इलीगल कर रहे हैं। ये ITI के ख़िलाफ़ है, ये एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन के भी ख़िलाफ़ है। इस तरीके से सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम जब हुआ था, जब बात किया गया था सेमिस्टर एग्ज़ाम होगा, फिर उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होना चाहिए, फिर सेमिस्टर एग्ज़ाम होता है, फिर उसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। बट आज पॉलिटेक्निक के डिग्री जो इंजीनियरिंग फील्ड में आता है, ये लोग का इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, साल में सिर्फ एक बार ही सप्लीमेंट्री लिखने के लिए उन लोग मजबूर किया जा रहा है। 2023 में जो दिसंबर में सप्लीमेंट्री एग्जाम होना था, अब तक सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं हुआ है। एक दो बैकलॉग की वजह से कई सारे विद्यार्थियों के जीवन खतरे में आ रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं, जोमैटो रैपिडो करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। मैं रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जो होता है वो स्टेट का ही नहीं बल्कि देश के लिए फ्यूचर होता है, देश का भविष्य होता है। ऐसा गवर्नमेंट को करने की वजह से कई सारे विद्यार्थियों का जीवन खराब हो रहा है। और सब मैं तमाम लोग से और राहुल जी से कहना चाहता हूँ, जो जाके दूसरे स्टेट में बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो राहुल जी एक बार तेलंगाना को भी देखिए, क्योंकि इतने बुरी हालत है तेलंगाना में। ना ही हमारा कोई एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक बना है, ना ही कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। किस तरीके से आज मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने के बावजूद सेक्रेटरी का कहना है ये मेरा लुकआउट नहीं है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप जाके कमीशन चेयरमैन को बोलिए। चेयरमैन से बोलने के बावजूद भी वो चेयरमैन बोलता है कि मेरा लगाव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट कौन चला रहा है, किसके बेसिस पर चल रही है? गवर्नमेंट को चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट बोर्ड मीटिंग मिलाया जाए। इस तरीके से पॉलिटेक्निक के इश्यूज है, ITI के इश्यूज है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इश्यूज है, वो इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। और रेवंत रेड्डी जी को या फिर किसी को एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए, या ही उनको फिर एजुकेशन के नाते एक विद्यार्थियों के स्टूडेंट्स की एक मीटिंग कराना चाहिए, या फिर स्टूडेंट लीडर्स को मिला के मीटिंग करना चाहिए, उनके इश्यूज से बात करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।